है। अरे यार शिवानी, मैं तो एक अमीर लड़के से मिलने आई थी, लेकिन ये तो शकल से ही गरीब लग रहा है। यार अमीर हो या गरीब क्या फर्क पड़ता है, तू तो उससे प्यार करती है ना। यार शिवानी तू ना बस कर, पहले उसकी शकल तो देख, देख कितना शकल से गरीब लग रहा है वो। ये लड़के ना ऐसे ही होते हैं, होते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। हे भगवान, ये तो मैसेज करने लग रहा है मुझे। हाँ तो तू उसे रिप्लाई करना। यार शिवानी तू पागल हो गई है क्या, मैं नहीं करने वाली उसे कोई रिप्लाई। यार मैंने क्या सोचा था और ये क्या निकला, देख तो सही कितना गरीब है। मैंने तो सोचा था बहुत पैसे वाला होगा, मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाएगा, बड़े बड़े क्लब ले जाएगा, अच्छी अच्छी जगहों पे ले जाएगा, लेकिन अरे शिवानी मैंने अगर इसे अपना बॉयफ्रेंड बनाया ना तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स लोग सब मुझ पर हंसेंगे। यार तू लोगों के बारे में क्यों सोच रही है, तू तो उससे प्यार करती है ना। देख शिवानी वो कुछ भी हो, मैं ना इसको अपना बॉयफ्रेंड बनाने वाली नहीं हूँ, ना ही मैं इसके साथ जाने वाली। यार बन्ना तू एक बार उसका मैसेज तो चेक कर, उसने क्या भेजा है। अच्छा ठीक है, तू अगर कह रही है तो मैं मैसेज चेक करती हूँ। वंदना आपने मुझे जो लोकेशन सेंड की थी, मैं उस लोकेशन पर आ गया हूँ और मेरे हाथ में फ्लावर्स हैं। देखा शिवानी, मैंने बोला था ना ये पक्का वही है। एक बार उसे रिप्लाई तो कर। यार शिवानी तू ना बस कर, मैं नहीं करने वाली कोई उसे रिप्लाई। तू ना मेरी दोस्त है या उसकी दोस्त जो तू उसकी साइड ले रही है। हाँ वंदना, आई थिंक तुम ही वंदना हो ना। हाँ बाय द वे यू आर सो ब्यूटीफुल, आई लाइक यू। बस दूर रहो। क्यों क्या हुआ, क्यों क्या हुआ वाले, जब तुम अमीर नहीं हो तो अमीर होने का दिखावा क्यों करते हो, और हाँ इस तरह प्रोफाइल पर पिक्चर एडिट करके क्यों लगाते हो, जब तुम्हारी औकात ही नहीं गर्लफ्रेंड बनाने की। मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम ऐसा क्यों करते हो, ताकि तुम भोली वाली लड़की को फंसा सको। इसमें इसकी क्या गलती है कि ये गरीब है। इसमें सारी गलती ना सिर्फ इसी की है, अगर ये मुझे पहले बता देता कि ये गरीब है तो फिर मैं यहाँ पर क्यों आती, फालतू में मेरा टाइम वेस्ट करवा दिया इसने। यार इसमें गलती मेरी है कि मैं जल्दबाजी के चक्कर में अच्छे से रेडी होकर नहीं आ पाया। अच्छा तुम ठीक से रेडी होकर नहीं आ पाए, अगर तुम तैयार होकर आ भी जाते तो क्या तुम अमीर लगते, फिर भी तुम गरीब ही ना। यार छोड़ो ना ये सब, मैंने तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट बुक किया है, चलो ना वहाँ जाकर बात करते हैं। तुम ना चुप ही रहो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये 50 रुपए के फूल लेकर आ जाओगे और मुझे इम्प्रेस करोगे। हाँ निकलो अभी यहाँ से, नहीं जा रही मैं तुम्हारे साथ कहीं। चल शिवानी चल। नहीं मुझे नहीं जाना कहीं। ठीक है तुझे मेरे साथ नहीं जाना ना, मत जा, रह इसके साथ, लेकिन मैं झूठे के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। क्या हुआ आप उनके साथ क्यों नहीं गईं? उसने ना आपके साथ बहुत बुरा किया, मेरा मन नहीं था उसके साथ जाने का, और वैसे उसने आपके साथ बहुत गलत किया, उसकी तरह से मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। ओके ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवानी है। वैसे शिवानी तुम बुरा ना मानो तो हम कॉफी पीने चल सकते हैं एज अ फ्रेंड। अच्छा ठीक है चलो। थैंक यू सो मच भाई, ये ले तेरी गाड़ी की चाबी। यार थैंक यू तो छोड़, तू ये बता तेरी बहन की तबीयत कैसी है? भाई मेरी बहन की तबीयत तो ठीक है, पर हाँ ये अच्छा हुआ कि तूने मुझे सही टाइम पे तेरी कार की चाबी दे दी, नहीं तो मैं मेरी बहन को हॉस्पिटल नहीं ले जा पाती और फिर पता नहीं उसका क्या होता। अच्छा ठीक है, तू ना तेरा और तेरी बहन का ख्याल रखना। ठीक है भाई। तुम्हारे पास कार है, इसका मतलब? इसका मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। भाई 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 अच्छा हुआ तू मुझे यही मिल गया, मैं ना तुझे ही ढूंढ रही थी। अरे क्या हुआ बहन? भाई भाई मुझे ना तेरे बहुत अर्जेंट में कार चाहिए, मेरी ना बहन की तबीयत खराब हो गई है, उसे ना हॉस्पिटल ले जाना है, प्लीज भाई दे देना। अच्छा अच्छा ऐसी बात है, ये ले। थैंक यू सो मच भाई। अरे कोई बात नहीं। अच्छा ऐसी बात थी, चलो मेरे साथ।